इल्क की आनु बाल और शानु मत बेचो, मुल्क की आनु बाल और शानु मत बेचो, धर्म के नाम पे गीता कुरान मत बेचो, तुम्हें कसम किसानों की और जवानों की, कुर्सियों के लिए हिंदुस्तान मत बेचो, कुर्सियों के लिए हिंदुस्तान मत बेचो। और बहुत बढ़िया कहन की, हमारे पिताजी को जमीन खरीद के दे दिया, खराब जमीन, लोग जो बढ़िया प्रॉपर्टी डीलर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे डीलर भी बन गए हैं, नादान डीलर, प्रॉपर्टी डीलर। हमारे पिताजी को ऐसी जमीन दे दिया, पूरा फर्जी जमीन हो गई। पिताजी ने कहा, बेटा बिहारी लाल जमीन तो फर्जी निकल गई। हमने कहा, अब हम लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते, कोई कविता बना दे। तो हम कहे रहे इलाके में जितना चीलर सब बन गए प्रॉपर्टी डीलर, रहन इलाके में जितना चीलर सब बन गए प्रॉपर्टी डीलर, निरहु खेत दिखावत बाटन, घुरहु मेड़ नपावत बाटन, देखते देखत सरकारी जमीन में फौरन गाड़ दिहन पीलर, रहन इलाके में जितना चीलर सब बन गए प्रॉपर्टी डीलर। एक किसी शायर का शेर है कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरवान बिठा रखा है। इसमें दो लाइन मैंने जोड़ दिया। अब मैं समझा उत्तर प्रदेश में दो सीट का मतलब कि तुमने साइकिल पे पिलवान बिठा रखा है। वाह भाई, एक शेर है अब मुनव्वर साहब का याद आता है कि किसी के हिस्से मकान आई, किसी के हिस्से दुकान आया, उसमें ये हुआ कि किसी के हिस्से जमीन आई, किसी के हिस्से प्लाट आया, मैं घर में सबसे छोटा था, हमारे हिस्से में बाप आया। वो माँ पे बहुत लोग कहते हैं, हम अपने पिता पे ही कहते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका आपका बहुत श्रेय, बहुत दुलार मिला। कुछ पंक्तियां और आप तक पड़ जाए कि करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया, करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया, हम सबों के बीच बो के भेद भी चला गया, 9 करोड़ मान 11 नीरो ले उड़ा, आया काला धन नहीं सफेद भी चला गया, आया काला धन नहीं सफेद भी चला गया। और बहुत बढ़िया, आपने सुना मुशारा बहुत अच्छा चल रहा है, कामयाब हो गया। हमारे यहाँ हमारे राजेश पाल जी पुलिस में है, देलुपुर पुलिस चौकी में, और हमारे प्रिय मित्र हरी शंभु जी जो SO हैं यहाँ उपस्थित है, मैं सभी पुलिस के साथियों को सलाम करता हूँ, वर्दी को ढेर सारे नमन करता हूँ। इसी इन्हीं पुलिस के दम पे पूरा देश, और इसी फौजियों के बल पे पूरा हमारी सरहद सुरक्षित है, इसलिए वर्दी को सलाम करते हैं दोस्तों। इस वीराने में भी उनकी सुरक्षा हमें प्रदान हो रही है, लेकिन कहते हैं हमारे देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छी है, 100 नंबर अगर डायल करो तो आ जाती है, और 100 रुपया पकड़ा दो तो चली जाती है। मतलब ये बढ़िया है, सहूलियत है, सलीका है, अपना तरीका। भाई बहुत नहीं है तो क्या करें, अब बहुत रुपया नहीं तो क्या करें भाई, महंगाई का अपना जमाना है, आने वाले दिनों में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। क्या बोला प्यारे लाल भाई, महंगाई अभी से घबरा गए मेरे बड़े भाई, अभी तो अगले 10 साल में वो जमाना आएगा, फिर इसके अगले 10 साल में वो जमाना आएगा, फिर इसके अगले 10 सालों में जो जमाना आएगा कि आदमी बाजार में 1 बोरा नोट लेकर के जाएगा, उसके बदले में 10 ग्राम चावल, 10 ग्राम आटा, 10 ग्राम दाल, 5 बूंद देसी घी, 2 आलू, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च लेकर के बाजार से आएगा, कूट पीस करके इसकी गोलियां बनाएगा, 15 दिन तक इसको धूप में सुखाएगा, जब का बिखार हो जाएगा 110 डिग्री के आर पार, एक गोली सुबह, दूठी दोपहर और 3 ठी शाम को खाएगा। अगले 10 सालों में जमाना आएगा, मेडिकल स्टोर पे खड़ा होकर चिल्लाएगा कि 10 गोली चावला माई सीन की, 12 गोली रोटी माई बीटा डीन की, और 18 गोली दाल माई सीन की दे। तो ये गोलियां चलने लगेगी दोस्तों, आने वाले दिन बहुत खतरनाक आ रहे हैं, इंटरनेट के दिन आ रहे हैं। इंटरनेट पे आप सर्च कर करके आपके बच्चे अब किताबों से नहीं पढ़ते हैं, अब आपके बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं। मोबाइल बड़ा खराब ये जमाना आ गया, फेसबुक का जमाना आ गया, फेस देखकर बुक करिए, माई बाप से लुक लुक करिए, 4 महीना तक सुख करिए, इस सारे जीवन का दुख भरिए,
फेस देख कर फिर बुक करिए। फेस देख कर बुक कर लेते हैं, वो अपन बुक बहाई देते हैं, और जबकि वो हमें फेस दूसरे का लगा है। जब ओकरे पास मिले जाबा तो लड़किया करिया रहे, लड़की गोर रहे, समझ में नहीं आता क्या होता है। इस पे कहते हैं अंबर भाई, आने वाले दिन फैशन के हो जाएंगे, लोग नंगा चलेंगे, 30-40 साल 50 साल 60 साल बाद हमारे बाद हमारी पीढ़ियां आएंगी, हम ही लोग बूढ़े होकर कहेंगे बच्चे कुछ पहन नहीं लेते, क्यों नंगा क्यों घूम रहे हो, कुछ पहनते क्यों नहीं, वो लोग पहनेंगे थोड़ो, हम ही लोगों किनारे ले जाके पहले पहनाएंगे, हम ही लोगों पहना देंगे। तो कहते हैं अंबर भाई, नंगा ही चलने का फैशन होगा, जो कोई बोलेगा दुश्मन होगा। लड़के और लड़कियां फेसबुक चलाएंगे, माई बाप बैठ कर घंटा ही लाएंगे, 12 से 3 मनोरंजन होगा, महंगे से होटलों में व्यंजन होगा, वही सब करे जोनो उनके मन होगा, तो बोलने वाला दुश्मन होगा, नंगा ही चलने का फैशन होगा। मैंने एक लड़की से कहा, अगर हमारा दिल पतंग का होता तो मैं अपनी इश्क की डोरी से बांध कर उसको उड़ा देता, संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग भी कटा देता। लड़की ने कहा, इसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा, अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो इसको संभाल के रखो, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा। और बहुत अच्छा आपने सुना मेरे मित्रों। एक और चीज, हमारे हमारे प्रिय मित्र बैठे हैं भाई अब्दुल कयूम साहब, मैं सलाम करता हूँ, और प्रिंसिपल भी हैं इस विद्यालय के, प्रिंसिपल को हैं, और मुझे बहुत प्यार से मिले, खटिया पे बैठे थे, हमको लगता है खटिया राहुल गांधी की थी, उस पे बड़े प्यार से बैठे हुए थे। हमने कहा देखिए भाई, कहते हैं जो, और मैं चाहता हूँ कि मुशायरा बहुत कामयाब चुकी हो रहा है, कहते हैं जो है, अरे जुट गए सारे समाइन होए क्या बात हो गई, बनाया नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे गाऊंगा तो अच्छा लगेगा। अरे जुट गए सारे समाइन होए क्या बात हो गई, हमारी जुल्फे लहराई ये रात हो गई, अरे कल नहीं आना हमें न बुलाना, कि मारे गताना जमाना, कल नहीं आना हमें न बुलाना, कि मारे गताना जमाना, देखो मुझको तो नहीं आना था, पर आपसे मिलन का बहाना था, मैं चला आया मुबारक ये सौगात हो गई, और आप सब लोगों से मुलाकात हो गई, तो मेरी जुल्फे लहराई बरसात हो गई, तालियों की बरसात हो गई। और इतना हमरे कहा दम्बा कि हम पानी बरसाई, अपने आनी आवे अपने पानी आवे, हमसे कहा मतलब बूढ़ो में जवानी आवे, तो अब तो बहुत ही, अब तो बहुत ही, देखिए जो बूढ़े हैं इनको बूढ़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता, भले ही मुंह के 3200 दांत उखड़ जाए, क्या अंदर चूसने के लिए मसूढ़ा नहीं होता। तब इसलिए अंबर भाई कहते हैं, मन की बातें करो साफ मन की तरह, इसको समर भाई सुनिएगा, नया भाई राजेश प्रतापगढ़ी जी सुन रहे हैं, उनको मेरे दोस्त हैं, और उनका भी मुझे प्यार मोहब्बत मिल रहा है। मन की बातें करो साफ मन की तरह, अभी खेरे खुशबू वतन में सुमन की तरह, अच्छे दिन आएंगे कब बताओ मुझे, तुम कहाँ खो गए काले धन की तरह, तुम कहाँ। माननीय मोदी जी से कुछ लोगों ने कहा, माननीय आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे तो कहाँ आए, बोले कैसे नहीं आए, बोले आजो तो चोरी डकैती हो रही है, तो माननीय मोदी जी ने कहा तो का खाली आप है अच्छे दिन आएंगे, चोरवन का ना आए, तो अब तो बड़ी परेशानी है, कि कहते हैं कि जो है जितनी जमीन सूखी थी, फरमाइश आ रही है, फरमाइश पूरी कर दे रहे हैं, क्योंकि मुशायरा बहुत लेंदी खींचने से कोई फायदा नहीं है, आपको उबने वाला काम ना किया जाए, डूबने वाला काम किया जाए। शायर अभी अच्छे अच्छे पढ़े हैं, कवि दौली भाई हैं, हासिम भाई हैं, अच्छे अच्छे शायर हैं, मैं चाहता हूँ उनको सुना जाए, मैं बीच में फिर आ जाऊंगा अपने पावर लेकर। कहते हैं जो जितनी जमीन सूखी थी वो दीन ले लिया,
टेंशन भरे इस युग को बिनोदी ने ले लिया, जितना बचा खुचा तक कुल योगी ने ले लिया, अमोदी ने सबको दौड़ के गोदी में ले लिया, गोदी में ले लिया, गोदी में ले लिया, गोदी में ले लिया। आ गोदी में चला ली है लेकिन, हाँ गोदी में ले लिया लेकिन दूध नहीं पिलाएंगे हम लोग, लड़किया की तरह वही गोदी में खेलत रहा, आज जितना दुख बा ओका ठेलत रहा अकेले। अब यहाँ यहाँ तो तौकलपुर तक और देलहूपुर तक जो रोडवा भी इतना खराब बा कि हम लोग तो बड़ी समस्या में है, क्या बताई, इतना रोड खराब बा, उसमें हम हमारा शरीर इतना हल्का है, हम 8-10 बार उछल उछल के वहीं बिचवे में रह जा रहे थे, आ नहीं पा रहे थे, जैसे उछलते थे फिर वहीं गिर जाते थे। हम सोचे आगे बढ़े, कमल प्रताप गढ़ी कहें कि भैया पिछवा से चढ़े कि नहीं चढ़े, हम कहे भाई कहाँ चढ़े, उछले फिर वहीं आ गए, उछले फिर वहीं आ गए। मौलाना वाहिद साहब फोन कर रहे कहाँ हो, हम कहे आपके गड्ढे में हैं साहब। तो बड़ी तो हमने कहा देलहूपुर से तौकलपुर तक, विधायक से कहें मौलाना वाहिद साहब कहें हमारा रोडवा कब बने स्कूल तक, तो कहें देलहूपुर से तौकलपुर तक इस सड़क जो खराब है और गड्ढा बेहिसाब है। तो विधायक साहब कहें वो आज भी है और ये कल भी रहेगा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, हो जरा सुनना जाने तमन्ना, एक ठिकाना मने है चार पांच पन्ना, एप्लीकेशन लिख दिए बोले बन जाएगा घबराओ नहीं। अब तो बहुत पे कहते धुक्कुर धाय आन्हर पीछे। हमारे सोनू भाई हमारे मित्र हैं, रुस्तम भाई हैं, हमारे सभी मित्र हैं यहाँ उपस्थित हैं और मेरे बीच में सभी को सभी दुआएं देता हूँ। कहे धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए, मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दोना में, ठोकर ठोकर खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में, साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए, जे बासादी सुदाऊ देखो, दे बासादी सुदाऊ देखो घूम रहा है शिमला में, ये बासादी सुदाऊ देखो घूम रहा है शिमला में, क्योंकि उसका दिल जो लग गया है अपने रानी बिमला में, ये वारण हुआ वो कैरतिया बोल रही है साय साय, धुक्कुर धाय आनर पीछे कुक्कुर खाए, लड़की जियो कसिम लेकर भाई घूम रही है बागी में, बहू और बेटवा अलगे हुई के रोटी से कह आगी में, माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए, धुक्कुर धाय आनर पीछे कुक्कुर खाए, बड़े गजब के मिले सोरोता हम है चिरई आप है खोता, पढ़े लिखे सब मेरे सामने एक हम ही ठहरे हैं भोता, बड़ा मुशायरा गजब हो गया चलो लगाए इसमें गोता, मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाए, धुक्कुर धाय मतलब।